दिल्ली की नई आबकारी नीति पर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। पिछले दिनों उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को दिल्ली आबकारी नीति 21-22 तैयार करने वाले अधिकारियों और नौकरशाहों के नाम मांगे थे। एलजी ने इस नीति को बनाने वाले अधिकारियों और नौकरशाहों की भूमिका पर एक रिपोर्ट की मांग की है। वहीं अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने काली सूची में डाले गए फर्म के पक्ष में आबकारी लाइसेंस के माध्यम से सांठगांठ के आरोप पर दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। ये रिपोर्ट 15 दिन के अंदर पेश करनी होगी। बता दें, दिल्ली आबकारी नीति 21-22 बनाने वाले संशोधन में घोर उल्लंघनों और जानबूझकर की गई चूक को एलजी ने गंभीरता से लिया है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से पूरे मामले में अधिकारियों और नौकरशाहों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में रिपोर्ट की मांग की है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों की गतिविधियों, फाइल की जांच और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर एक रिपोर्ट की मांग की है, जो 15 दिनों के भीतर पेश करनी होगी। हम आपको बता दें, नई एक्साइज पॉलिसी में कथित तौर पर गड़बड़ियों के जांच के लिए उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजी ने ये सिफारिश चीफ सेक्रेटरी के उस रिपोर्ट के आधार पर की है, जो 8 जुलाई को भेजी गई थी। इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली सरकार और एलजी के रिश्तों में लगातार तल्खी देखी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार आम आदमी पार्टी के ऑफिस में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस वजह से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है।